Subscribe now to receive new updates every day. वीफी से लेकर एलसीडी से लेस है इनका ऑटो, सलमान संजय भी करते हैं सवारी। कहते हैं कि काम करने का अलग अंदाज ही आपको दूसरों से अलग बना देता है। मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाने वाले संदीप इसकी मिसाल हैं। खार और बांद्रा में रहने वाले लोग उन्हीं के ऑटो रिक्शा में सफर करना चाहते हैं। यही नहीं, सलमान खान और संजय दत्त जैसे बड़े एक्टर भी उनके ऑटो रिक्शा में सफर करने से नहीं चूकते। टैक्सी की तरह लोग उनके ऑटो की एडवांस बुकिंग करते हैं। अभिनेता संजय दत्त की फिल्म भूमि की रिलीज के बाद संदीप ने उनसे एक शो के दौरान मुलाकात की और उनकी फिल्म की सराहना की है। सोशल मीडिया पर उनके इस अंदाज को बेहद सराहा जा रहा है। विनम्र व्यवहार और खास ऑटो के कारण संदीप अब महाराष्ट्र पुलिस के रोल मॉडल के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। दरअसल देश के दूसरे शहरों की तरह मुंबई से सटे ठाणे और कल्याण इलाके में ऑटो रिक्शा वालों की मनमानी आम है। पुलिस के पास शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। बीते कुछ महीनों में कई शिकायतें आ चुकी हैं, सबसे ज्यादा केस बदसलूकी और बदमिजाजी के। कुछ समय पहले सोशल मीडिया में संदीप और उनके ऑटो के चर्चे सुनकर ठाणे की डिप्टी ट्रैफिक कमिश्नर ने उनसे संपर्क किया। वे अब पुलिस की वर्कशॉप में ठाणे और कल्याण के ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को तहजीब और ईमानदारी के साथ कमाई बढ़ाने के गुर सिखा रहे हैं। क्या खास है इस ऑटो में? व्यवहार के अलावा संदीप को अलग बनाता है उनका खास ऑटो। इसमें एंटरटेनमेंट के लिए LCD TV, रेडियो, अखबार, वाईफाई और मैगजीन भी मिल जाएंगी। इतना ही नहीं, फर्स्ट एड का बंदोबस्त भी है। एक बोर्ड लगा है जिस पर आपको सोने चांदी के भाव, सेंसेक्स का हाल, विदेशी करेंसी के अपडेट्स मिल जाएंगे। डैश कुछ मीठा खाने का मन हो तो चॉकलेट्स भी मिल जाएंगी। दान करने की इच्छा हो तो डोनेशन बॉक्स भी है। सलमान और संजय दत्त के बड़े फैन। संदीप संजय दत्त और सलमान खान के बड़े फैन हैं। उन्हें मुंबई में मुन्ना भाई सिस्सी निकनेम से जाना जाता है। वे सलमान की तरह हाथ में ब्रेसलेट पहनते हैं और एक हाथ पर उन्होंने संजय दत्त का टैटू बनवाया है। यही नहीं, जेल से छूटने के बाद संजय दत्त ने संदीप को उनके घर मिलने भी बुलाया था। पैसों को कर देते हैं दान। जमा पैसों से सामान खरीद कर वे खुद कई वृद्धाश्रमों में दे आते हैं। सवारी अगर दृष्टिहीन है तो उसे 50%, विकलांग है तो 25% और जस्ट मैरिड जोड़े को 10% की छूट देते हैं। संदीप कहते हैं कि भलाई और परोपकार के लिए रईस होना जरूरी नहीं है, अच्छे व्यवहार से भी भलाई की जा सकती है। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट। I'm not going to do that.